हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया बेटा। अब मैं एक न्यू चैप्टर आपको लेकर आया हूं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को अपन कहां कहां किस किस एप्लीकेशन के द्वारा यूज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और अभी इस चैप्टर को जितने मैं नोट्स दे रहा हूं उसको करिएगा और उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करिएगा। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मैं पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ाऊंगा, फिर आप लोग का आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें देखा जाए तो इसको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है बेटा। ठीक है, सबसे पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते, ठीक है, इसको पहला पढ़ना है। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर मेडिकल। मेडिकल में बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या यूजेस है उसको भी पढ़ना है। जैसे कि आजकल जमाने में आप लोग देखे हो आरटीपीसीआर करके एक टेस्ट हो रहा है, कोरोना को डायग्नोस करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, वो सब किस में आएगा? मेडिकल में आएगा। पीसीआर, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है, ये सब जितने भी है, ठीक है, ये सब किसका क्लासिफिकेशन है? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही आया है। और आप लोग ये भी जानते हो आजकल जो भी वैक्सीन यूज हो रहा है वो भी कौन? एक जेनेटिकल इंजीनियर उसको क्या किया है? बनाया है। और उसी को आज अपन क्या कर रहे हैं? मेडिकल पर्पस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब चाहे वैक्सीन हो, चाहे ऑटो रेडियोग्राफी हो, चाहे पीसीआर हो, चाहे एलिजा हो, ये सब चीज किस में आएगा? मेडिकल। और किसके मेडिकल में आएगा? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेडिकल में जो भी यूजेस कर रहे हैं अभी, और बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशन है उसको देखना है। ठीक है, एग्रीकल्चर सबसे पहला नंबर, दूसरा कौन सा? मेडिकल। और तीसरा नंबर आता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। कौन सा? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बात करूं तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में, एग्जाम्पल मैं बात करूं तो आजकल देखे हो कि एक जर्सी गाय यूज होता है बेटा। ठीक है, तुम लोग को यह भी पता होगा कि जर्सी गाय का मिल्क का कंटेंट जो रहता है बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है। और कैसे हो रहा है वो पूरे किस में निर्भर है? बायोटेक्नोलॉजी में। जैसे कि एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूं कि अभी एक बच्चा पैदा हुआ बेटा, गेस्टेशन पीरियड होने के बाद पाचुरेशन हुआ, होने के बाद उसका डिलीवरी हुआ। ठीक है, पाचुरेशन का मतलब क्या है? डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, बेबी का जैसे डिलीवरी हुआ, होने के बाद उसकी मां खत्म हो जाती है। ठीक है, खत्म होने के बाद उसके पास, डॉक्टर पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं। एक तो क्या, या तो अदर कोई मदर है जो कि अभी अभी पाचुरेशन हुआ है, तो उसमें भी क्या चल रहा है? लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग पीरियड चल रहा है, 6 महीना आसपास चलेगा। तो अपन उस मदर को जाकर क्या बोल सकते हैं कि इस बेबी को भी आप मिल्क दे दो। ठीक है, कल के दिन दूसरा मदर भी क्या बोल रही है कि मैं नहीं दूंगी, ठीक है, मिल्क इसको नहीं दूंगी क्योंकि मेरे बेबी को कम पड़ेगा। ठीक है, उस समय पे क्या कर सकते हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी क्या किया है, एक अल्फा लैक्टा अल्बुमिन, ठीक है, प्रोटीन जो है, ठीक है, वो क्या होता है, मिल्क, ह्यूमन मिल्क में बहुत ज्यादा एनरिच्ड होता है, वैसे वाला गाय को बनाया, जिसके वजह से वो वाले मिल्क बेबी को दोगे तो 99% ऑलमोस्ट सेम किसके जैसे रहता है? मदर का मिल्क टाइप का। ठीक है, वो भी किसमें है? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अभी जैसे कि एग्जांपल मैं क्या किया, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया हूं। जैसे कि तुम ये भी समझ रहे हो वैक्सीन का, जो कोरोना का कोविड का जो वैक्सीन बना है वो डायरेक्ट हमारे शरीर में डाल नहीं सकते, तो उससे पहले प्रैक्टिस होता है। ठीक है, या तो मंकीस हो गए या तो माइस हो गया, ठीक है, रैट्स में भी, ठीक है, तो उन लोगों को क्या करते हैं, वो सब किसमें है? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में है। ठीक है, क्योंकि पहले उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, यदि 100% प्यूरिफाई है तब जाके आप लोग को दिया जाएगा, फार्मास्यूटिकल पूरे इंडिया गवर्नमेंट में रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें को है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। सबसे पहला नंबर क्या बोल रहा हूं बेटा, वो है एग्रीकल्चर। कौन सा है? एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में देखा जाए तो क्या क्या चीज पढ़ना है इसमें? दो, एक होता है बीटी। ठीक है, बीटी 100% इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से आना है तो आएगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बेसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया, ठीक है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए डबल स्टार लगा रहा हूं, इसको कैसे भी पढ़ना है अपने को। फिर
फिर दूसरा टॉपिक जो है यहीं पे हम लोग को पढ़ना है पेस्टिसाइड्स, क्या पढ़ना है पेस्टिसाइड्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। अब बात करता हूं किसका, मेडिकल में, ठीक है। आपको ये नहीं पता होगा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, कभी भी आप लोग याद रखना है यहां पे कहीं पे भी टर्म यूज होता है इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, और कोई भी बोलता है पेस्टिसाइड्स, तो ये सब होता क्या है, ठीक है, काम कहां आते हैं आप लोग को मैं बता दे रहा हूं। प्राणी जगत जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ते हैं हिंदी मीडियम, रज्जुकी और अरज्जुकी के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे ही बात किया जाए तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, कौन सा, संग आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स कैरी होता है बेटा, पूरे फाइलम में सबसे ज्यादा क्या इंसेक्ट्स है, और आप लोग को यह भी बता दे रहा हूं पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंसेक्ट्स का काउंटिंग और स्पीशीज कितने वैरायटी है, डाइवर्सिटी कितना है, आज तक कोई साइंटिस्ट पूरा पकड़ नहीं पाया, क्योंकि अमेजन जंगल में तुम जाके देखोगे तो अलग अलग तरीके के डिफरेंट स्पीशीज का वहां पे पाए जाते हैं, जो कि आज तक कोई साइंटिस्ट इकोलॉजिस्ट आज तक प्रूफ नहीं कर पाया कि कितने सारे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी है, यदि मैं क्या कर रहा हूं, घर में छोटा छोटा प्लांट्स उगा रहा हूं बेटा, ठीक है, और उस प्लांट में कोई कीड़े मकोड़े आ जाएंगे तो वहां पे जो भी मैं केमिकल डालूंगा वो कीड़े को मारने के लिए, उसको इंसेक्टिसाइड्स बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इंसेक्टिसाइड, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कीड़े को मारने के लिए जो अपन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड। वही चीज, कीड़े किसमें आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अलावा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के पहले जितना प्लेटी हेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, ठीक है ना, टीनोफोरा, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा पोरीफेरा, ये कुछ फाइलम से बिलोंग कोई ऑर्गेनिज्म करता है और तुम्हारे पेड़ को या तो किसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान करेगा, तब अपन क्या बोलेंगे, उसको पेस्टिसाइड्स बोलेंगे। पेस्ट्स का मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और पेस्ट में माइक्रोब्स भी आते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो जाए, चाहे वायरस हो जाए, चाहे फंजाई हो जाए, ये सब चीज किस में आते हैं, पेस्ट में आते हैं, ठीक है। मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा के पहले वाले जितना भी फाइलम्स है, मतलब संग आर्थ्रोपोडा के पहले जितने भी संग है, उसमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म तुम्हारे प्लांट को डिसऑर्डर करता है, तुम्हारे प्लांट्स और कोई भी क्रॉप्स है एग्रीकल्चर जो यूज कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, तो अपन कौन सा दवाई यूज करेंगे बेटा, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। और वही चीज इंसेक्ट्स को मारने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड। तो आप लोग को ये चीज मैं बता दे रहा हूं, एग्रीकल्चर में एक यूज होता है इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारने के लिए, एक यूज होता है कौन सा, उससे पहले ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना। समझ लो, फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस, फाइलम एस्केलमेंथिस, फाइलम एस्केलमेंथिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, संग गोल क्रीमी, ठीक है, और फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, संग चपटी क्रीमी, ठीक है। तो फाइलम एस्केलमेंथिस जो है, गोल क्रीमी जो है, इसमें निमाटोड्स कुछ कुछ होते हैं, तो उसके ऑर्गेनिज्म यदि तुम्हारे क्रॉप को या तो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तब अपन क्या यूज करेंगे बेटा, पेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे, तो जनरली बीटी और पेस्टिसाइड्स में देखा जाए तो बीटी जनरली ज्यादा यूज होता है किसके लिए, इंसेक्टिसाइड के कंपेयर में, किसके लिए यूज होता है ये, इंसेक्टिसाइड्स के कंपेयर में। एनसीईआरटी में दिया होगा बेटा, पढ़ लेना एप्लीकेशंस में, मतलब इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो दवाई यूज करते हैं उसको इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं, और पेस्ट को मारने के लिए जो दवाई यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। जैसे कि अभी बताया, फाइलम एस्केलमेंथिस से निमाटोड आता है, ठीक है, जिसको अपन गोल क्रीमी बोलते हैं हिंदी मीडियम, ठीक है। तो यहां पे एग्रीकल्चर में कौन सा है, एक बीटी को कैसे यूज करेंगे, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, बीटी 100% आने का चांस है, ठीक है, देख लेना। और एक तो कौन सा पढ़ना है, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो बीटी कैसे यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स के जैसे यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं मेडिकल। पहले जमाने में क्या होता था कि इंसुलिन जो होता है ना बेटा, सुअर उअर को पकड़े, ठीक है, या तो कोई कैटल को पकड़े, पकड़ने के बाद उसके पेंक्रियास से क्या करते हैं, इंसुलिन को निकाला जाता था, फिर ह्यूमन को क्या एब्डोमिनल रीजन पे दिया जाता था, ताकि हमारे बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागोन, बोथ आर एंटागोनिस्टिक, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट काम करते हैं बेटा। ग्लूकागोन क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या करेगा, शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, और इंसुलिन क्या करेगा, हमारे शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। तो बोथ हॉर्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक, और दोनों को बनाने वाला कौन है, पेंक्रियास, हाँ ना, दोनों को बनाने वाला कौन है, पेंक्रियास है। कौन सा, ग्लूकागोन, और एक तो कौन सा हो गया, इंसुलिन। अब समझ लो, तुम्हारे शरीर में इंसुलिन की कमी हुआ तो तुम्हारे बॉडी में, ब्लड में शुगर लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, हाँ ना, शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो तुम्हारे में क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस,
डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, दो तरीके के डायबिटीज होते हैं और दोनों में कोई एक हो जाएगा। जनरली आप लोगों को मैं एक चीज बता दे रहा हूं, डायबिटीज मेलिटस जो होता है वो सुगर लेवल का होता है, उसके यूरिन में, जिसको डायबिटीज मेलिटस हुआ है उसके यूरिन में कीटोन बॉडीज पाए जाते हैं। यदि समझ लो तुमको बोला जाता है कि दो ऑर्गेनिज्म दिया गया है, एक में डायबिटीज इंसिपिडस है और एक में डायबिटीज मेलिटस है, तो डायबिटीज मेलिटस वाला यूरिन करके आता है तो वहां पे चींटी आ जाएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि उसके यूरिन में क्या, कीटोन बॉडी है। और वही चीज डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में बात करते हैं तो डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, यदि हमारे शरीर पे वाटर ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है ना, वाटर ज्यादा लॉस हो जा रहा है, यदि यूरिन में समझ लो 0.5 लीटर होना चाहिए तो वहां पे 1.5 लीटर हो जा रहा है, तो उस डायबिटीज को अपन क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, उसमें कीटोन बॉडीज नहीं पाए जाते और उसमें चींटी भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना, इसमें कहां दिया पता है, तुम्हारे एनसीईआरटी में सबसे लास्ट पन्ने में सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ोगे ना, एंडोक्रीन चैप्टर में दिया बेटा, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। चलिए और आगे बढ़ते, तो मैं इंसुलिन, कल के दिन क्या है, सुअर से इंसुलिन निकाले पड़े। तुमको पता है सुअर का ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है, और ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऊपर से इंडिया तो सेकंड नंबर लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री होता है, ठीक है। अब क्या करे, इतना तो सुअर नहीं है, तो वहां पे बेटा एक कंपनी आया जिसका नाम है इली लिली, ठीक है, कौन सा कंपनी है, इली लिली, ये एक तरीके का अमेरिकन कंपनी है बेटा, ये एक तरीके का अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। 1983 पे ये एक्सपेरिमेंट किया था आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने का, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने का सबसे पहला परफॉर्मेंस करने वाला बायोटेक्नोलॉजी कंपनी था वो है इली लिली, कहां का था, अमेरिकन कंपनी था, और कौन से ईयर में बेटा, 1983 में ये काम किया था, एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप लोग। तो यहां पे बेटा तो देखा जाए तो मेडिकल में एप्लीकेशन में देखा जाए तो ये क्या करेगा, मतलब मैं ये बोलूं तो वैक्सीन बनाने के लिए, इंसुलिन बनाने के लिए, मतलब ऐसा लिख सकता हूं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, मतलब देखो बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी किसका है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में कौन सा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आया, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही ये सब चीज किया जा रहा है, तो इसीलिए क्या बोला गया, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा हमें क्या बना दिया, इंसुलिन बनाया, हाँ कि ना। तो मतलब मेडिकल में देखा जाए तो एक आर्टिफिशियली जो इंसुलिन होता है वो किस पर्पस में बना है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, तो ये हुआ। अब इसके अलावा दूसरा एक एग्जांपल कोई बात करता है, जीन थेरेपी, कौन सा हुआ, जीन थेरेपी। अब बोलोगे सर ये जीन थेरेपी क्या है, बिल्कुल हम बताएंगे बेटा, कभी भी याद रखना ट्रीटमेंट को बोला जाता थेरेपी, ट्रीटमेंट को, ठीक है ना। फिजियोथेरेपी मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करवा के ट्रीटमेंट जो दे रहा है उसको फिजियोथेरेपी बोला जाता है। कीमोथेरेपी मतलब केमिकल देके ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है तो कीमोथेरेपी, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, जीन थेरेपी मतलब जीन को देकर ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। कल के दिन मेरा एक बेटा या बेटी हुई है, ठीक है, हेरिडिटरी डिजीज हो गया उसको, समझ लो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, या तो समझ लो एडीए डिफिशियंसी, एडेनोसाइन डीएमआईएनएस डिफिशियंसी। पता है तुम लोग को, यदि हमारे शरीर में एडीए का डिफिशियंसी हुआ, ठीक है, एडेनोसाइन डीएमआईएनएस का डिफिशियंसी हुआ, तो तुम समझ जाओ बेटा तुम्हारे इम्यूनिटी जो है वो ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी को मेंटेन करने वाला कौन सा होता है, एडीए होता है, एडेनोसाइन डीएमआईएनएस, ठीक है। तो वहां पे जनरल तुम्हारे एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से जीन थेरेपी एडीए के लिए यूज किया गया, ठीक है। 4 साल की एक बच्ची है ना, वो अमेरिका में सबसे पहले जीन थेरेपी उसके ऊपर किया गया था, क्या किया गया था, एडीए जो कमी हुआ था, एडीए का जो डिफिशियंसी हुआ था उसमें उन लोग क्या किए थे, कुछ टेक्नोलॉजी को यूज करके उस कमी को पूरा किए थे, ठीक है। याद रखना जीन थेरेपी कभी बड़े लोग को नहीं किया जाता है, बच्चे लोग को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि उनका बॉडी ग्रोथ पूरा 100% हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो मतलब मेडिकल में जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, और एक तो कौन सा हो गया, जीन थेरेपी, ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, इंसुलिन का पिछले के पिछले साल क्वेश्चन है और जीन थेरेपी से भी आ सकता है, ठीक है। तो एक चीज, इसके अलावा थर्ड नंबर होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है पता है तुमको,
मॉलिकुलर डायग्नोसिस का मतलब पीसीआर, अभी आरटीपीसीआर कोरोना में कराया जा रहा है ना, वो किसमें आ रहा है? मॉलिकुलर डायग्नोसिस में आएगा। कल के दिन ऑटो रेडियोग्राफी होगा, वो भी किसमें आएगा? मॉलिकुलर डायग्नोसिस में आएगा। कल के दिन किसी को एड्स हो गया तो उसका टेस्ट कर रहे हैं एलिजा, वो भी किसमें आएगा? मॉलिकुलर डायग्नोसिस में आएगा। तो ये सब चीज भी किसका है? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। तो यहां पर भी मैं एक तो लिख देता हूं, और एक एग्जाम्पल कौन सा है? मॉलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये एक हो गया, मतलब तीन चीज कैसे भी पढ़ना है तुमको, एक है जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, और एक तो कौन सा जीन थेरेपी, और एक तो कौन सा मॉलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है। इतना चीज आना है तो आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक इसके अलावा भी बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा इसमें तुम लोग को, फिलहाल ये तीनों को याद रख लेना, यहाँ पे एक्सेट्रा डाल लेना, ठीक है ना। तो मतलब मेडिकल में जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन पढ़ना है, जीन थेरेपी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? मॉलिकुलर डायग्नोसिस पढ़ना है, और एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है? बीटी और पेस्टिसाइड, ठीक है। बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? बेसिलस थुरंजियंसिस, ठीक है ना। और याद रखना ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है बेटा, ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया से सोचो, पता है तुम लोग को जो बायोटेक्नोलॉजी होता है ना, बायोटेक्नोलॉजी कभी भी याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी करता क्या पता है? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा सोचो, तुम लोगों को पता है एड्स करने वाला कौन है? रिट्रोवायरस, ठीक है ना। वैसी कुछ कुछ टोबेको प्लांट में ट्यूमर का फॉर्मेशन भी कुछ कुछ माइक्रोब्स करते हैं, तंबाकू के प्लांट में रूट्स में कुछ कुछ फोड़ा फोड़ा टाइप का ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं, उसको भी जो जो बिगड़े हुए हैं ना, जो जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है बताओ? उन लोग को सुधारने में तुला रहता है, ठीक है। मतलब रिट्रोवायरस क्या करता है? एड्स करता है, बोलता है बायोटेक्नोलॉजी तुम एड्स करते हो, एड्स मत करो, तुम क्या करो बायोटेक्नोलॉजी में अच्छा काम करो और अच्छा नाम कमाओ, ठीक है। जैसे कि रिट्रोवायरस को वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं, एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशियन जो है उसको भी क्या करते हैं? वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें, ठीक है, इसके बारे में और भी पढ़ेंगे अपन। तो एग्रीकल्चर में बीटी और पेस्टिसाइड, और मेडिकल में कौन सा? जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक्सेट्रा। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल में देखूं तो कौन सा? काऊ, जो ट्रांसजेनिक काऊ बनाया गया था, मैं दूध वाला भी जो बताया था उसका नाम था रोजी, उसका नाम क्या था बेटा? रोजी था, ठीक है ना, उसको सबसे पहले बनाया गया था। वैसी किस किस को बनाया? रैट को भी बनाया, ठीक है, रैट को भी बनाए, और कुछ अदर एनिमल्स को भी, शिप को भी बनाए, पिग को भी बनाए, वैसा करके बहुत सारे बनाया गया था, ठीक है, एक्सेट्रा डाल देना। तो जो भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाए और क्यों बनाया गया वो सब इस टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे अपन। मतलब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में काउ रोजी को क्यों बनाया गया था बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, क्या कमी था और क्या चीज इंप्रूवमेंट हुआ था, ये चीज। अब इसके अलावा सबसे लास्ट होता है सोशल एस्पेक्ट्स, ठीक है। सोशल एस्पेक्ट्स का मतलब ये होता है, समझ लो बेटा, मैं यदि कुछ फर्म बनाता हूं, यदि कुछ चीज प्रोडक्ट बनाता हूं और मेरा प्रोडक्ट को कोई चोरी कर देता है, जैसे कि एग्जांपल मैं क्या किया, एक कोई चावल बनाता हूं, ठीक है, और बहुत फेमस चावल है और सबको पसंद है, और यदि कोई प्रोडक्ट, कोई वेजिटेबल बनाता हूं, कुछ भी चीज, यदि समझ लो कोई मैं एक कोचिंग खोलता हूं, ठीक है, कुछ भी चीज उस नाम को और कोई यूज कर रहा है, यदि उस प्रोडक्ट को और कोई यूज कर रहा है, यदि वैसे वाला चीज और कोई बना रहा है, तो समझ लो बेटा वहां मेरे से बिना परमिशन लिए करा तो तुम लोग के भाषा में कॉपीराइट बोलते हैं, और हमारे भाषा में क्या बोलते हैं बता? बायो पायरेसी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बायो पायरेसी। बायो का मतलब होता है लिविंग, और पायरेसी का मतलब होता है अगेंस्ट, बिना पूछा, बिना पूछे, बिना उसको बताए सेम चीज को कॉपी करके बेच दे रहा कोई, तो वहां पे उसके ऊपर लॉ लगता है, वो है बायो पायरेसी। तो यहां पे अपने को पढ़ना है कौन सा है? बायो पायरेसी और पेटेंटशिप, ठीक है। तो ये दोनों चीज पढ़ना है, अधिकतर अमेरिकन गवर्नमेंट करता है बेटा। इंडिया का सबसे अच्छा चावल होता है, राइस होता है, और दूसरा नंबर होता है जनरली, कभी भी याद रखना बेटा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, सबसे पुअर तो गार्डन पी होता है बेटा, पाइसम सेटिवम, ठीक है, गार्डन पी जेनेटिक्स में पढ़े हो गए, पाइसम सेटिवम बोलते हैं, सबसे गंदा होता है, इंडिया का क्वालिटी सबसे खराब होता है, ठीक है ना। अमेरिकन और यूएस, नेदरलैंड, वहां का गार्डन पी पाइसम सेटिवम जो होता है बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो वैसे इंडिया का सबसे अच्छा कौन सा होता है? राइस होता है, वीट होता है, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है,
ठीक है, वो सब चीज इंडिया में बन रहा है और उसको कोई चोरी करके वैसी वाला बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा या तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के द्वारा वो अपना बना ले रहा है और बिना जो साइंटिस्ट है जो बनाया उसको बिना पूछे बना दे रहा है, तो उसके ऊपर लॉ लगता है बेटा, अगेंस्ट रूल लगता है, उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। ठीक है, तो कभी भी मैं यदि आगे वाले को पूछ के लेता हूं तो उसको पेटेंटशिप बोलते हैं। तो इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन 99% केस डायरेक्ट पूछता है, वो है गोल्डन राइस, मतलब बासमती राइस। ठीक है, तुम लोग को मैं बता दे रहा हूं, बासमती राइस जो होता है ना उसको गोल्डन राइस भी बोला जाता है और उसमें सबसे ज्यादा मात्रा होता है बेटा विटामिन ए का, एनरिच्ड राइस। वो जनरली बनाया क्यों गया पता है, बासमती राइस गरीब लोग के लिए बनाया गया था, एम एस स्वामीनाथन बनाए थे वो भी। ठीक है, क्यों बनाए थे, क्योंकि वो कम गरीब ज्यादा चावल नहीं खा सकता, ज्यादा पैसा नहीं है उसके पास खरीद के नहीं खा सकता, तो ये एम एस स्वामीनाथन नॉर्मन ई बॉलक से बात करके ये बताए थे कि मैं ऐसा चावल बनाऊंगा जिसमें कम मात्रा कोई खाएगा तो उसको न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बाद में पता चला रईस लोग को कि अरे यार इसमें विटामिन ए एनरिच है, कैरोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, हम लोग के लिए बहुत लाभ है, तो उन लोग खरीदने लगा, तो उसका क्या क्वालिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया और उसका रेट भी बहुत ज्यादा हो गया, गरीब तो आजकल छू भी नहीं पाएगा। समझ आया, तो इसलिए बेटा सोशल एस्पेक्ट्स में अपने को क्या क्या पढ़ना है, बायोपायरेसी, क्या पढ़ना है बायोपायरेसी, और दूसरा क्या पढ़ना है पेटेंटशिप। तो पेटेंट के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, पेटेंट के बारे में पढ़ना है। तो जनरली ये पूरा है, मैं एक एक चीज खोल खोल के पढ़ाऊंगा तुमको, तो ये सब चीज के बारे में सुनना है तुम लोगों को। तो आज के क्लास में मैं बीटी कैसे भी कंप्लीट करता हूं, पहले फटाफट लिखो और आगे बढ़ते हैं। फिर से रिविजन कर रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा है, एग्रीकल्चर, मेडिकल, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, कौन सा हुआ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, और फोर्थ है सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट में बायोपायरेसी, पेटेंट पढ़ना है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में काउ, रैट, शिप, कोई भी हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काउ के बारे में पूछता है, इसको पढ़ना है, और मेडिकल में इंसुलिन के बारे में पढ़ना है और जीन थेरेपी पढ़ना है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस पढ़ना है। मॉलिकुलर डायग्नोसिस में PCR, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी, DNA फिंगरप्रिंट, ELISA, वो सब इसमें आएंगे, और जीन थेरेपी में वही एडेनोसाइन DMNS की डिफिशेंसी के बारे में पढ़ना है तुम्हारे सिलेबस के अनुसार। ठीक है, और इंसुलिन तो तुमको मैं अब भी बताया, इली लिली कंपनी था 1983 में, वो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया था, ठीक है, कल्चर मीडियम के द्वारा। अब इधर देखते हैं एग्रीकल्चर में BT और पेस्टिसाइड्स के बारे में। इंसेक्टिसाइड का मतलब इंसेक्ट्स को मारने वाला और पेस्टिसाइड का मतलब पेस्ट को मारने वाला, इतना लिखो और आगे बढ़ता हूं मैं। चलो बेटा और आगे बढ़ते हैं, अब मैं सबसे पहला टॉपिक शुरू करता हूं BT, किसके बारे में BT, ठीक है, बी कैपिटल होना चाहिए, टी स्मॉल होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है बेटा, बेसिलस, इसका फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस थुरंजेंसिस, ठीक है ना, बेसिलस थुरंजेंसिस, ठीक है ना। अब बेसिलस थुरंजेंसिस जो है, और पता है ये एक तरीके का रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, एक तरीके का क्या है, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, एक तरीके का ये क्या है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। अब आ गया यहां से कहानी पूरा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी सोचा कि अरे यार ये तो बैक्टीरिया है, ये बीमारी लाता है, इसको कोई अच्छे काम में अपन यूज करते, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बात करता हूं बेटा तंबाकू का प्लांट, टोबेको प्लांट, ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूं कॉटन, ठीक है, ठीक है। अब समझो बहुत ज्यादा मेहनत से फार्मर क्या कर रहा है, कॉटन प्लांट को फार्मिंग कर रहा है बेटा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, ठीक है, और बहुत मुश्किल से यहां पे क्या बना है, कॉटन का फ्रूट बना है, ठीक है, कॉटन का फ्रूट टाइप का रहता है इतना बड़ा, ठीक है, और ये फूटेगा और इसके अंदर से क्या आएगा, कॉटन आएगा। तो इससे ये निकलने के पहले यहां से क्या हुआ, एक कीड़ा आया, ठीक है ना, और कीड़ा क्या किया पता है, वो यहां से आर पार करके पूरा निकल गया, ठीक है, इसका खाते हुए इसको छेदा करते हुए निकल गया। अब निकल गया तो ये कॉटन का क्वालिटी अच्छा रहेगा नहीं, पूरा बर्बाद हो गया कॉटन। अब फार्मर रो रहा है, अब करे तो करे क्या, बायोटेक्नोलॉजी बोला तू टेंशन मत ले, मैं हूं, मैं इधर बैठा हूं, मैं ठीक करता हूं। क्या किया पता, बायोटेक्नोलॉजी बोला कि तेरा जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ना, फार्मिंग जा है, मेरे को लेके जाना तू, और लेके जाने के बाद वहां खड़ा कर, मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसमें देखना तुम्हारा कॉटन का जो भी प्रोडक्टिविटी होगा वो ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो फार्मर माना और बोला कि चलो ठीक है करते, कैसे किए देखो इधर। जैसे कि अब क्या हुआ, ये बेसिलस थुरंजेंसिस जो है ना, ये एक तरीके का प्रोटीन बनाता है बेटा, ये एक तरीके का जो बैक्टीरिया होता है ये एक तरीके का प्रोटीन बनाता है, ठीक है, और उसको बोला जाता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। देखो क्या हुआ, सबसे पहले ये बैक्टीरिया के पास, इस बैक्टीरिया के पास क्या है, एक ना एनकोडेड
जीन्स होते हैं, क्या होते हैं, एनकोडेड जीन्स, ठीक है ना, कुछ एनकोडेड जीन्स होते हैं और इन लोग क्या करते हैं, सीक्रेट्स इनएक्टिव प्रोटीन, इन लोग क्या बनाते हैं, एक इनएक्टिव प्रोटीन को बनाते हैं, मतलब बैक्टीरिया के अंदर पे, उसके क्रोमोसोम के अंदर पे, या तो प्लास्मिड है तो प्लास्मिड के अंदर पे उसके पास कुछ जीन्स है, वो जीन्स क्या कर रहे हैं बेटा, इनएक्टिव प्रोटीन को बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इनएक्टिव प्रोटीन को बना रहे हैं। अब वो इनएक्टिव प्रोटीन क्या करता है, कुछ करता होगा, बिल्कुल देखते हैं। अब सोचो बेटा, जो ये एनकोडेड जीन्स होते हैं ना, ये जो एनकोडेड जीन्स है, ठीक है ना, याद रखना इसको कौन, इसके किसके अंदर पे, बीटी के अंदर पे, बीटी के अंदर में क्या है, एनकोडेड जीन्स है, और इन लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूसेस या तो सीक्रेट्स, क्या करते हैं, इनएक्टिव प्रोटीन को, इनएक्टिव प्रोटीन को क्या करते हैं इन लोग बेटा, सीक्रेट करते हैं, कौन, ये जीन्स, और ये जीन्स का नाम क्या रहता है पता है, एनकोडेड जीन्स आर कॉल्ड, इसको कौन सा क्या बोला जाता है, क्राई जीन्स, क्या बोलते हैं इसको, क्राई जीन्स बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, क्राई जीन्स बोलते हैं, मतलब बीटी के अंदर पे जो जीन्स है, जो कि इनएक्टिव प्रोटीन को बनाते हैं, जो कि एनकोडेड जीन्स है, वो जीन्स का नाम क्या होता है बेटा, क्राई जीन्स होते हैं, क्या होता है, क्राई जीन्स। तो ये क्राई जीन जो है प्रोड्यूस क्या करेगा, प्रोड्यूसेस इनएक्टिव प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटीन को छोड़ेगा, ये क्या छोड़ेगा, इनएक्टिव प्रोटीन को छोड़ेगा, और आप लोग को बता दे रहा हूं बेटा, जो ये इनएक्टिव प्रोटीन को जो छोड़ेगा ना, ये एक तरीके का क्या होता है पता है, जहर होता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनएक्टिव टॉक्सिन भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, इनएक्टिव टॉक्सिन भी बोला जाता है, ये क्या है, इनएक्टिव टॉक्सिन। आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, ये जो बीटी है, बीटी के पास कुछ जीन्स होते हैं, उस जीन्स को क्राई जीन्स बोला जाता है, और क्राई जीन्स क्या करता है, एक इनएक्टिव प्रोटीन को छोड़ता है, और वो इनएक्टिव प्रोटीन क्या होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, और ये इसको यदि तुम पीएच ग्रेटर देन 7 दे दोगे, मतलब 7 से ज्यादा पीएच दोगे, इसका मतलब होता है बेसिक मीडियम, इसका मतलब क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है, या तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कलीन मीडियम भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, एल्कलीन मीडियम भी बोला जाता है। तो मतलब बेटा मैं ये बोलना चाहता हूं, 7 से ज्यादा पीएच, मतलब पीएच कितना होना चाहिए, 7 से ज्यादा पीएच होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिक मीडियम या तो एल्कलीन मीडियम बोलते हैं, जो कि इनएक्टिव टॉक्सिन जो है प्रोटीन नेचर का होता है, और ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड टॉक्सिन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड टॉक्सिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन, ठीक है ना, और एक्टिवेटेड टॉक्सिन को एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन भी बोला जाता है, एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन भी बोला जाता है, ठीक है ना, और इसको इनएक्टिव टॉक्सिन जो है इसको और क्या बोल सकते हो, इसको और क्या बोल सकते हैं, हाँ, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि बैक्टीरिया जो है, बीटी जो बैक्टीरिया, बीटी क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है, बीटी क्या है बेटा, एक तरीके का बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया के पास कुछ जीन्स होते हैं जो कि इनएक्टिव प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, इनएक्टिव प्रोटीन, उस जीन का नाम क्या होता है, क्राई जीन्स होते हैं, उस जीन्स का नाम क्या होते हैं, क्राई जीन्स, और क्राई जीन्स क्या करता है, इनएक्टिव प्रोटीन को छोड़ता है, जिसका दूसरा नाम होता है इनएक्टिव टॉक्सिन, और उसी का तीसरा नाम भी क्या होता है, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन भी बोला जाता है। यदि समझ लो कि 7 से ज्यादा पीएच मिलता है, बेसिक मीडियम मिलता है, एल्कलीन मीडियम मिलता है, तीनों का मतलब एक ही होता है, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिवेटेड टॉक्सिन हो जाएगा, या तो एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन भी बोल सकते हो इसी को, मतलब दोनों का नाम क्या है बेटा, सेम है, तो ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन जब जाएगा तो ये बहुत बड़ा कहानी कर देता है बेटा, कैसे, देखो इधर, इस एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है ये समझ जाओ कहां पे है, कॉटन वाले फ्रूट में, और एक कीड़ा जैसे खाया, किसको बेटा, देखो एक खाता क्या कीड़ा, एक्टिवेटेड टॉक्सिन को नहीं खाएगा, एक खाएगा किसको पता है, ये खाता है किसको, इनएक्टिव, इनएक्टिव ये क्या, किसको खाएगा, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को खाता है, कौन, कीड़ा, समझ लो ये कौन सा है, बोलवॉर्म है, ये क्या है, बोलवॉर्म है, कॉटन बोलवॉर्म है, ये क्या है, कॉटन बोलवॉर्म है,
ठीक है, ये खाया किसको, कॉटन फ्रूट को। ये कॉटन फ्रूट को कौन खाया, बोलबम खाया। जैसे बोलबम किसको खा लिया, इनएक्टिव प्रोटीन को खा लिया। इनएक्टिव प्रोटीन को और क्या बोलते हैं, इनएक्टिव टॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, जहर। और इसका तीसरा नाम क्या है, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन भी बोलते हैं। इसको खा लिया कौन बेटा, बोलबम खा लिया। बोलबम खाने के बाद हुआ क्या पता है, इसके बोलबम का जो गट होता है, गट मतलब हम लोग एलिमेंट्री के नाल में कैसे पढ़ते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन, एनस, ये सब के बारे में पढ़ते हैं ना। लेकिन कभी भी कीड़े के बारे में पढ़ोगे ना, उसके एलिमेंट्री केनाल के बारे में पढ़ोगे ना, तो यहां पे तीन चीज होता है बेटा, एक होता है फॉरगट, एक होता है मिडगट, एक होता है हाइंडगट। ठीक है ना, फॉरगट, मिडगट, हाइंडगट। सामने वाले को फॉरगट बोलते हैं, बीच वाले को मिडगट बोलते हैं, जो दिखता नहीं है बैक साइड जो होता है वो है हाइंडगट। ठीक है ना, जैसे कोई कीड़ा है बेटा, ऐसा कीड़ा है, ठीक है ना। कीड़े में कभी भी याद रखना, ये जो पहला पार्ट है फॉरगट, बीच वाला मिडगट, और सबसे लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, हाइंडगट। ये क्या हो गया, फॉरगट, मिडगट, हाइंडगट, समझा। अब सोचो कीड़ा क्या खाया, कीड़ा खाया क्या, कॉटन जैसे खाया, तो उसके मुंह के अंदर क्या आया, इनएक्टिव प्रोटीन आया। इनएक्टिव प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इनएक्टिव टॉक्सिन, और क्या बोलते हैं, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइड प्रोटीन। इसको खाने के बाद हुआ क्या पता है, इसके मिडगट जो है, इसके जो मिडगट है, इसमें पीएच कितना होता है पता है, 7 से ज्यादा होता है। एल्कलिन मीडियम जो है वो कहां पे, मिडगट में। तो इसके मिडगट में एल्कलिन मीडियम मिलने के वजह से जो इनएक्टिव प्रोटीन है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेटेड प्रोटीन में, या तो एक्टिवेटेड टॉक्सिन में कन्वर्ट हुआ, जिसके वजह से ये जहर क्या हो गया, एक्टिव हो गया। किसके वजह से, मिडगट के वजह से। किसका मिडगट, कीड़े का मिडगट। ठीक है, बोलबम मिडगट में एल्कलिन मीडियम होता है बेटा, एल्कलिन मीडियम होने के वजह से जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हुआ, और एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, कीड़ा मरेगा। अब कैसे मरेगा वो भी मैं बताऊंगा, तो अभी फिलहाल आप लोग यहां तक लिख के रखो, जहां तक मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो उसके बाद आगे का कहानी बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, इसी के बारे में बताऊंगा कैसे कैसे, यहां तक अभी लिख के रखो, फिर एक एक चीज बताऊंगा। बीटी के बारे में पीएचडी कर देना है रे, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है, इसलिए इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा और आगे बढ़ते हैं, अब इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन के बारे में, बीटी के बारे में और आगे पढ़ते हैं। देखो क्या हुआ, समझ लो एक कोई पौधा है बेटा, क्रॉप है, ठीक है, यहां पे क्या बन रहा है, कॉटन का फ्रूट, कॉटन है, ठीक है, और इसको खाने कौन आया, बोलवॉर्म, ठीक है ना, कॉटन बोलवॉर्म इसको खाने आया, मस्त, ठीक है ना। जैसे खाने आया ना, तो इसमें क्या करता है कि यहां पे कुछ कुछ पाउडर टाइप का स्प्रे कर देता है, कौन, फार्मर, ठीक है ना। और ये क्या स्प्रे है पता है, ये है बीटी, किसको डाला है, बीटी, किसको डाला है, बीटी। अब बीटी में भी बैक्टीरिया को नहीं डालता है बेटा, बैक्टीरिया में जो जीन्स होते हैं, जो एनकोडेड जीन्स होते हैं, क्राई जीन्स को डाला जाता है, क्या डाला जाता है, सोचो बीटी से क्या निकाला गया, क्राई जीन्स को निकाले, क्या डाले, क्राई जीन्स, और क्राई जीन्स को कहां डाले, यहां पे, ठीक है ना। तो क्राई जीन्स को डाले किसमें बेटा, ये कॉटन प्लांट में डाल दिए, ठीक है ना। जैसे ये बोलवॉर्म आया, बोलवॉर्म आने के बाद तुमको पता है क्राई जीन्स जो होते हैं, क्राई जीन्स, इन लोग क्या सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल, अभी बताया था ना, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को इन लोग प्रोड्यूस किए। इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो कि ये एक तरीके का इनएक्टिव है, ठीक है ना। अब क्या करे, तो इसको खाया कौन, ईटन बाय बोलवॉर्म, या तो इंसेक्ट, ठीक है, मतलब ये कीड़ा, ये क्या है, बोलवॉर्म है, इंसेक्ट है, ठीक है ना। ये आया मस्त, खाया किसको, कॉटन को खाने के लिए आया, तो इसलिए मैं यहां पे क्या लिखा हूं, ईटन बाय इंसेक्ट, मतलब क्राइजिन क्या छोड़ा, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइड प्रोटीन।
तो ईटन बाय इंसेक्ट, किसको ईट कर लिया बेटा? कॉटन का कोई सा भी पार्ट को खाएगा ना, याद रखना मैं खा लूंगा मेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्टमक में एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा, HCl है 1.5 से 3 पीएच के बीच में काम करता है, जो कि 7 से कम होता है। लेकिन ये खाएगा ना, क्योंकि इसका मिडगट क्या होता है, एल्कलीन मीडियम होता है, 7 से ज्यादा पीएच होता है, तो इनएक्टिव वाला एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे में नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो गैस्ट्रिक एसिड है उसमें क्या है, 7 से कम पीएच होता है। सही बोला मैंने? हाँ गिना पक्का? तो याद रखना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो क्राइजीन्स है, क्राइजीन्स क्या प्रोड्यूस किया, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइड प्रोटीन। तो मतलब ईटन बाय इंसेक्ट, क्या ईट किया बेटा, कोई भी मतलब कॉटन का फ्रूट हो जाए या तो कॉटन का और एनी पार्ट ऑफ प्लांट ईटन बाय इंसेक्ट, मतलब प्लांट का कोई सा भी पार्ट है या तो कॉटन है उसको भी यदि इंसेक्ट खाता है, तो जिसके वजह से इंसेक्ट के अंदर पे क्या होगा, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन एंटर्स इनटू गट ऑफ इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट के गट के अंदर में कोई भी पार्ट या तो कॉटन इंसेक्ट खा रहा है, जिसके वजह से कीड़े के अंदर में क्या आ गया बेटा, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मिड गट में किसका मिड गट, कीड़े के, ठीक है ना। तो मिड गट किसका, मिड गट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है ना। तुम्हारे एनसीईआरटी में इंसेक्ट की जगह बोल वॉर्म यूज किया है, ठीक है, मतलब मिड गट ऑफ इंसेक्ट में आने के बाद, तो इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन ड्यू टू एल्कलीन मीडियम, जिसको अपन बेसिक मीडियम भी बोलते हैं, बेसिक मीडियम इन मिड गट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का मिड गट के वजह से यहां पे क्या हो गया बेटा, इनएक्टिव, जो इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, और किसके वजह से, एल्कलीन और बेसिक मीडियम के वजह से, और बेसिक मीडियम एल्कलीन मीडियम कहां पे पाया जा रहा है, मिड गट ऑफ इंसेक्ट में। तो ये एक चीज आप लोग को जरूर याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखना मैं ये बोल रहा हूं कि इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो है, जैसे मिड गट किसका इंसेक्ट में पहुंचता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन में। क्यों बदलता है, क्योंकि इंसेक्ट का जो मिड गट होता है वो बेसिक मीडियम का होता है, मतलब 7 से ज्यादा पीएच का होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे आते, तो ये एंटर जैसे हुआ तो उसके बाद क्या होगा बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, क्राइजीन का स्प्रे किया, क्राइजिन जो था वो कहां पे आया बेटा, मतलब बीटी के द्वारा क्राइजिन्स आया, क्राइजिन्स कहां आ गए, कॉटन प्लांट में आ गया। तो ये क्राइजिन्स क्या किया, पहला नंबर क्राइजिन जो है वो क्या छोड़ा, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव है अभी, और कहां पे गया, कॉटन का कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट या तो पत्ता कुछ भी चीज कीड़ा खाता है, जिसके वजह से उसके शरीर के अंदर पे इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो है वो क्या होता है, वो एंटर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। तो एंटर होने के वजह से उसमें क्या होता है, मिड गट ऑफ इंसेक्ट का, मतलब इंसेक्ट में तीन गट होते हैं, फॉरगट मिड गट हाइंड गट, तो मिड गट में आने के बाद बेटा जो इनएक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो है वो एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और किसके वजह से, बेसिक मीडियम के वजह से, और बेसिक मीडियम कहां प्रोवाइड हो रहा है, कीड़े के मिड गट में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, तो यहां पे बेटा कौन आ गया,
एक्टिव हो गया, कौन हो गया, इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन, तो मतलब एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन, प्रोटीन लाइसिस द एपिथेलियम या तो एपिथेलियल टिश्यू ऑफ इंसेक्ट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर हुआ, ये क्या हो गया, फिफ्थ नंबर हो गया, ये कौन सा हो गया, सिक्स्थ नंबर हो गया। मतलब मैं ये बोल, लाइसिस का मतलब होता है डिग्रेडेशन, कोई बोलेगा लाइसिस का मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन मतलब तोड़ना, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन जो है वो कहां गया, कीड़े के जो एपिथेलिया टिश्यू है, उपकला उत्तक जो है बेटा, हाँ, मिडगट में, उसमें जाकर वो तोड़ना शुरू किया, जिसके वजह से वहां पे क्या हो गया, क्या हुआ वहां पे, स्वेलिंग हो गया, क्या हो गया, स्वेलिंग हो गया। तो स्वेलिंग के बाद आठवां पोजिशन में क्या हुआ, पोर्स, मतलब स्वेलिंग, देखो स्वेलिंग के पहले ऐसा लिख लो, सातवां में क्या हुआ, पोर्स फॉर्मेशन हुआ, पोर्स बन गए, ठीक है, पोर्स फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एंड स्वेलिंग हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आठवां स्टेप में क्या हो गया, कीड़ा मर गया। अरे भाई पोर्स क्या हो गया, बस्ट हो गए, ठीक है ना, फोड़े बड़े बड़े हुए, होने के बाद क्या हुआ, कीड़ा खत्म, ठीक है। अब खुद सोचो मेरा पेट फट जाएगा तो मैं थोड़ी ना जिंदा रहूंगा भाई, समझ आया, तो वही चीज मैं बता रहा हूं, पोर्स फॉर्मेशन हुआ और स्वेलिंग हुआ, उसके बाद क्या हो गया, इंसेक्ट किल्ड, इंसेक्ट क्या हो गया, मर गया, ठीक है ना। तो ये चीज होता है बेटा, पोर्स का मतलब जानते हो ना, कीड़ा जो भी है तो कीड़े के जो यहां पे पोर्स छोटे छोटे फोड़े टाइप के बन गए थे, ठीक है ना। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन जो है वो सबसे पहले एपिथेलिया टिश्यू में एक्ट करता है, उसके बाद पोर्स बनाता है फोड़ा, और उसके बाद स्वेलिंग करेगा, उसके बाद क्या होगा, वो फोड़े फूटने के बाद कीड़ा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा। तो ये रोल है पूरा बीटी का, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखना, इतना चीज आपको याद रहना भी चाहिए। चलो छापो जल्दी और आगे बढ़ते हैं, समझ आया बेटा। मतलब एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन एक्टिव कब होता है, इनएक्टिव से एक्टिव कब होता है, मिड गट ऑफ इंसेक्ट में, क्यों, क्योंकि एल्कलीन मीडियम के वजह से, ठीक है। इतना क्लियर है, क्वेश्चन वही आएगा, ठीक है। अब बेटा एग्जांपल, बीटी के तरीके के कितने कितने प्लांट्स होते हैं, एग्जांपल बीटी कॉटन सबसे मोस्ट फेमस होता है, बीटी कॉटन ये सबसे ज्यादा फेमस होता है, और भी होते हैं, कौन सा, बीटी टोमेटो, ठीक है, बीटी पोटेटो, ठीक है ना, बीटी कॉर्न, बीटी राइस एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी प्लांट है तो इसमें कीड़े मकोड़े खाएंगे नहीं। अब क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे सिलेबस में क्राइजिन्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, कोई भी पूछेगा कि पेड़ में क्या डाला जाता है, बैक्टीरिया को नहीं डालते बेटा, क्राइजिन्स को स्प्रे किया जाता है, किसको दिया जाता है, क्राइजिन्स को देते हैं, याद रखना। और क्राइजिन्स किस में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बीटी में पाए जाते हैं। तो कल के दिन कोई तुमको बोलेगा कि क्राइजिन जो है, क्राई जो है, ठीक है ना, कौन सा, क्राई, तो क्राइजिन्स में कौन कौन होते हैं, चलो बताओ, तुम्हारे सिलेबस के अनुसार मैं बात करूं तो इसमें बेटा दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है क्राई वन, एक होता है क्राई टू, ठीक है ना। और आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, क्राई वन में फिर दो भाग होते हैं बेटा, एक होता है क्राई वन, अरे रुको रे, क्राई वन ए बी, क्राई वन ए सी, सॉरी एसी, ठीक है। अब क्राई टू में भी दो टोक होते हैं, क्राई टू ए बी, क्राई टू एसी, ऐसा करके चार भाग में बटा हुआ है बेटा। तो तुम लोगों को मैं एक चीज बता दे रहा हूं, क्राई वन ए बी, क्राई वन एसी, क्राई टू ए बी, क्राई टू एसी, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और याद रखना, क्राई वन ए बी जो रहता है कॉर्न बोरर के लिए यूज किया जाता है, कॉर्न बोरर मतलब
सोचो बुट्टा इतना बड़ा हुआ बेटा, मस्त हुआ, और उसको बीच से छेदा करते हुए कोई इंसेक्ट निकल जा रहा है तो फार्मर को नुकसान है बेटा। तो इसलिए वहां पे क्राई वन ए बी किस लिए यूज होता है, कॉर्न बोरर के लिए यूज होता है, कौन सा प्लांट के लिए, कॉर्न प्लांट के लिए, ठीक है ना। अब वही चीज क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी किस लिए यूज होता है, क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना ये दोनों कॉटन प्लांट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, कॉटन बोलवॉर्म, कॉटन बोलवॉर्म के लिए यूज होता है। कौन से कीड़े के लिए यूज होता है, कॉटन के पेड़ में, अभी जो मैं बताया था कॉटन का जो फ्रूट टाइप का बने रहता है उसको खराब करने वाला कौन होता है, बोलवॉर्म होता है। तो कॉटन बोलवॉर्म के लिए कौन सा छिटका जाया जाता है, जीन्स क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी। और वही चीज कॉर्न बोरर के लिए कौन सा जीन्स डाला जाता है, क्राई वन ए बी, ठीक है ना। तो इतना तुम्हारे सिलेबस में है, बस इतना ही पढ़ना है, रहते 120 तरीके के, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में तीन टॉक है एनसीईआरटी में दिया, जहां बीटी है उसके राइट हैंड साइड पे, ठीक है। इतना छापो बेटा, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था क्राइजिन जो है वो क्राई वन और क्राई वन ए बी एंड क्राई वन ए सी होते हैं, और क्राई टू में भी क्राई टू ए बी एंड क्राई टू ए सी होते हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। और क्राई टू ए बी और क्राई वन ए सी दोनों कॉटन बोलवॉर्म के लिए होते हैं, और क्राई वन ए बी किसके लिए होता है, कॉर्न बोरर के लिए होता है। तो कभी बेटा और भी कुछ चीज तुमको लिखना है तो देखो एनसीईआरटी के हिसाब से और भी लिखना है तो बीटी सोयाबीन भी लिख लो, बीटी सोयाबीन, ठीक है, इतना याद रखना आप लोग को, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और भी अपन, ठीक है। तो मतलब बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी पोटेटो, बीटी सोयाबीन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस एक्सेट्रा, ठीक है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें घुमा देता है क्वेश्चन, एआईपीएमटी 2012, 2011, 2015 में रीटेस्ट। इधर देखो, अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन, चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा। कभी भी याद रखना, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कुछ कुछ मिसलिनियस पॉइंट है, ठीक है ना। एक पॉइंट सबसे पहले, जो इनएक्टिव इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो है बीटी कॉटन में, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ये नेचर कौन सा है, प्रोटीन नेचर का है, कौन सा नेचर का है, प्रोटीन नेचर का है। क्वेश्चन इसमें कुछ कुछ चीजें पूछता है, ठीक है। ये एक्टिवेटेड होता किस लिए, एल्कलीन मीडियम मिलेगा तो, कौन सा मीडियम मिलेगा तो, एल्कलीन मीडियम मिलेगा तो, ए एल्कलीन मीडियम प्रोवाइड, एल्कलीन मीडियम का मतलब कौन सा होता है, बेसिक मीडियम होता है, कौन सा होता है, बेसिक मीडियम होता है। इसका मतलब क्या होता है, पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है, ठीक है। और पीएच 7 से ज्यादा बेसिक मीडियम को प्रोवाइड कौन करता है, प्रोवाइडेड बाई, प्रोवाइडेड बाई कौन करता है, मिड गट ऑफ इंसेक्ट। और कल के दिन कोई पूछेगा, कल के दिन आप लोग का ऑप्शन बनाएगा कि इंसेक्ट मरता है कि इंसेक्ट का लार्वा मरता है, तो कभी भी याद रखना लार्वा मरता है, इंसेक्ट का लार्वा, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखना कौन मरता है, बीटी किल्ड लार्वा ऑफ इंसेक्ट, लार्वा ऑफ इंसेक्ट। एक पॉइंट अच्छे से याद रखना, एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है ना। किसको, लार्वा ऑफ इंसेक्ट को मार डालता है, इंसेक्ट को नहीं मारता, लार्वा, उसका लार्वा को मारता है, ठीक है ना। तो मतलब एक चीज, ठीक है ना, मिड गट ऑफ इंसेक्ट। अब यहां पे ये एक्टिवेटेड हुआ, तो ये एक्टिवेटेड क्या हुआ, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन हुआ, हाँ कि ना, हुआ ना। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, ये इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन जो हुआ ये कहां एक्ट करता है, ये एक्ट कहां किया, सरफेस ऑफ एपिथीलियर टिश्यू ऑफ इंसेक्ट लार्वा, कहां एक्ट किया, इंसेक्ट लार्वा के एपिथीलियल टिश्यू में, सरफेस में एक्ट किया है, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रखना। और एक चीज कभी भी याद रखना बेटा, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइड जो प्रोटीन होता है ना वो एक तरीके का क्रिस्टल होता है, ये एक तरीके का क्रिस्टल होता है, सॉलिड क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। जैसे शक्कर वक्कर होता है वैसे क्रिस्टल होता है। एल्कलीन मीडियम जैसे मिला ना, तो यहां पे एल्कलीन मीडियम मिलने के कारण यहां पे एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन जो रहता है वो सोल्युबिलाइज्ड हो जाता है, सोल्युबिलाइज्ड
क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आसपास लिक्विड जैसे बन जाता है, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि इनएक्टिव इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन जो है वो कौन सा नेचर का है, क्रिस्टल का नेचर का है। जैसे एल्कलिन मीडियम मिला तो एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन जो है वो क्या हो जाता है, सोल्युबलाइज्ड हो जाता है। सोल्युबलाइज्ड को मतलब घुलना, किसके वजह से घुला, एल्कलिन मीडियम के वजह से, ठीक है ना। तो कैसे शेप में आसपास कैसा हो जाता है, लिक्विड जैसे बन जाता है, कैसे लिक्विड टाइप का। और क्रिस्टल कैसा बेटा, सॉलिड टाइप का है। और ये सोल्युबलाइज्ड क्यों हुआ, एल्कलिन मीडियम की वजह से। और एक चीज, कल के दिन तुम लोगों को कोई बोलता है कि इनएक्टिव इंसेक्टिसाइड प्रोटीन को और मैं क्या बोल सकता हूं, प्रोटॉक्सिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉक्सिन भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिन, ठीक है। इतना चीज क्वेश्चन। तो मतलब इनएक्टिव इंसेक्टिसाइड प्रोटीन को प्रोटॉक्सिन बोलते हैं और एक्टिवेटेड इंसेक्टिसाइड और प्रोटीन को क्या बोलते हैं, टॉक्सिन बोलते हैं। और ये लिक्विड फॉर्म पे होता है, सोल्युबलाइज्ड क्रिस्टल होता है, और ये क्रिस्टल और सॉलिड होता है, ठीक है। बीटी किल किसको करता है, लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स को, ठीक है। और बीटी कौन सा किस किस चीज को और भी मारता है, ये भी क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखना, बीटी जो है तो कुछ कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स में देखोगे तो कैसे कैसे इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है, इंसेक्ट्स के लार्वा को मारने का काम करता है, इंसेक्ट्स के लार्वा को मारने का काम करता है। तो सबसे पहला आता है बेटा लेपिडोप्टेरन, एक होता है लेपिडोप्टेरन, ठीक है। एक होता है कोलियोप्टेरन, एनसीईआरटी का लाइन है। और एक होता है डिप्टेरन, कोलियोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेन, देख, लेपिडोप्टेरेन, कोलियोप्टेरेन, डिप्टेरेन, ठीक है। इंसेक्ट्स के लार्वा को कौन से बीटी कैसे कैसे इंसेक्ट्स के लार्वा को मारता है, कल के दिन पूछेगा क्वेश्चन तुमको। तो एक होता है लेपिडोप्टेरेन, एक होता है कोलियोप्टेरेंस, एक होता है डिप्टेरेंस। तो लेपिडोप्टेरेन में कौन कौन आता है, तो याद रखना लेपिडोप्टेरेन में आता है, कोई बोलेगा तो टोबेको बडवाम, टोबेको बर्ड वॉर्म, ठीक है। और कौन सा आता है इसके अलावा, कोई पूछेगा तो हाँ, टोबेको बर्ड वॉर्म के अलावा आर्मी वॉर्म, कौन सा आता है, आर्मी वॉर्म, ठीक है। मतलब टोबेको बर्ड वॉर्म और आर्मी वॉर्म किसके अंदर पे आता है, लेपिडोप्टेरेन। लेपिडोप्टेरेन सब क्लास है किसका, इंसेक्ट्स का, ठीक है ना। तो याद रखना इंसेक्ट्स मतलब तुम समझ जाओ, बीटी आया तो लार्वा को दिमाग में याद रख लेना, क्योंकि इंसेक्ट में जहां पे भी लिखा हूं इंसेक्ट्स के लार्वा में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखना बीटी के इंसेक्ट्स में देखा जाए तो तीन तरीके के सब क्लास है। एक है लेपिडोप्टेरेन, लेपिडोप्टेरेन में सबसे पहला एग्जांपल टोबेको बडवाम, और दूसरा कौन सा, आर्मी वॉर्म। कोलियोप्टेरेन में एग्जांपल में बात करूं तो बीटल्स आते हैं बेटा, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, गूगल में सर्च मार लेना, उन लोगों का शक्ल दिख जाएगा तुम लोग को। एक कौन सा, बीटल्स, बीटल्स किस में आते हैं, कोलियोप्टेरेन। अब कोई बोलेगा डिप्टेरेन, डिप्टेरेन में कौन कौन आते हैं, फ्लाइस आते हैं, जैसे हाउस फ्लाइस हो गए हैं ये सब, या तो मॉस्किटोस हो गए हैं, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना है आप लोग को, लेपिडोप्टेरेन में आर्मी वॉर्म, टोबेको बडवॉर्म, कोलियोप्टेरेन में बीटल्स, और डिप्टेरेन में फ्लाइस और मॉस्किटो। यहां पे आप लोग का कंप्लीट हो जाता है क्या, बीटी छापो। हाँ, और एक चीज याद रखना, बेसिलस बीटी एक तरीके का क्या बेटा, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। कोई शेप पूछेगा तो कौन सा शेप का बैक्टीरिया है, शेप कोई पूछेगा तो अभी बताया था रॉड शेप, क्योंकि नाम पे क्या है, बेसिलस है। और इसका हैबिटेट कोई पूछेगा तो तुमको बताना है सॉइल बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, सॉइल बैक्टीरिया होता है। चलो छापो जल्दी। चलिए बेटा, अब बीटी टॉपिक यहां पे कंप्लीट हुआ, अब चालू करेंगे जेनेटिकली इंजीनियरिंग, या तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इसको आर्टिफिशियल इंसुलिन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये किसमें आता है, मेडिकल में आता है, ठीक है ना। मैं बोला नहीं हूं पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहां देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन जो रहता है, सबसे पहला फर्स्ट परफॉर्मेंस कौन किया था, हाँ, फर्स्ट ऑप्टेंड बाय, अभी बताया था ऑप्टेंड बाय इली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका,
अमेरिका का इली लिली कंपनी था, वो भी कब, इन 1983। ठीक है, चलो इसमें बात करते हैं क्या है? इन्होंने कहा कि जो इंसुलिन होता है, ठीक है ना, इंसुलिन कैसे बनाना है, देखो इन लोग बताएं, इंसुलिन बनने के पहले, ठीक है ना, इंसुलिन बनने के पहले यहां पे कुछ तीन तरीके के तुम लोगों को मैं बता दे रहा हूं, बहुत सारे एमाइनो एसिड मिलके पेप्टाइड चेन बनता है, बहुत सारे पेप्टाइड चेन बनने के बाद उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, और पॉलीपेप्टाइड को ही क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। हाँ कि ना, पक्का? तो वही चीज के बारे में ये बात की है। कैसे, देखो इधर, ठीक है, यहां पे बेटा कितना चेन दिख रहा है तुमको, अलग अलग कलर का तीन टो, ठीक है, यहां पे इसको बोलते हैं बी चेन, इसको क्या बोलती है, बी चेन, ठीक है, और इसको क्या बोलती है, ए चेन, और इसको क्या बोलती है, सी चेन, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, प्रो इंसुलिन, क्या बोलते हैं इसको, प्रो इंसुलिन, इंसुलिन बनने के पहले वाला, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया था, ये तीनों चेन्स जो थे नेचुरली ऐसा दिख रहा था, ये तीनों चेन को क्या किए हैं, इन लोग एक्सट्रैक्ट किए, क्या किए बेटा, इसको एक्सट्रैक्ट किए, अलग अलग किए, तो अलग अलग करने के वजह से यहां पे ऐसा टाइप का कुछ बना, ठीक है, इसको सी चेन, इसको क्या बोल दिया, सी चेन, ठीक है, और ये बीच वाले को क्या बोल दिए, बी चेन, और इसको क्या बोल दिए, ए चेन, ठीक है, ए चेन, बी चेन, सी चेन, ठीक है। तो ये जो है ना, ए चेन और बी चेन जो है, इसके बीच में कुछ बॉन्ड्स होते हैं बेटा सल्फर के, ठीक है, और कितने सल्फर, दो दो सल्फर मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को यहां से यहां, मतलब ए चेन प्लस बी चेन जो है, ठीक है, ए चेन और बी चेन जो है, ये दोनों मिलने पे जो बना है उसको बोलते हैं इंसुलिन, इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन, ठीक है। तो ए चेन और बी चेन को जोड़ने वाला जो है ना बेटा, इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बोलते, ठीक है ना। तो मतलब ए चेन जो बी चेन है, वो दोनों के बीच में क्या रहता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है, ए चेन और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलता है, तब जाके क्या बनता है, वो इंसुलिन बनता है। और सी चेन जो रहता है, मतलब सी पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, सी चेन जो है, ये कोई काम का नहीं रहता बेटा, ठीक है, वे किसी काम का नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये नॉन फंक्शनल चेन होता है, कौन सा होता है, नॉन फंक्शनल चेन होता है, ठीक है। कोई बोलेगा इंसुलिन का मतलब, तो कभी भी याद रखना, ये इंसुलिन एक तरीके का पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, कौन सा होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, और इसको और क्या बोल सकते हो, प्रोटीन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्रोटीन भी। और इंसुलिन में मेनली कौन सा होता है, ए प्लस बी चेन होते हैं, ठीक है, सी नहीं होता है, सी चेन नहीं होता है, ए और प्लस बी होता है, ए प्लस के जगह में कौन सा होता है, एस और एस का डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, कौन सा होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। तो इंसुलिन के पहले जो है उसको क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन बोलते हैं, जब इसके बाद वाला ए और बी डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन बोलते हैं, और सी चेन जो रहता है वो नॉन फंक्शनल चेन होता है, काम का नहीं है। तो फंक्शनल चेन कौन से हुए, ए और बी, ठीक है, बस इंसुलिन में आप लोग को यही चीज पूछेगा, ठीक है, इतना लिखो।